बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द केपीएस ऑनलाइन लेक्चर्स अगेन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 10 एंड दैट वुड बी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज वी नो, ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीच डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्ट्स। मीन्स किसी भी स्पीच को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो इसके पार्ट्स हैं, अज्जा हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली फॉर्म द स्पीच। देयर राइट यूज इज़ टू मेक द स्पीच मीनिंगफुल। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल ही हमारी स्पीच को मीनिंगफुल बनाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नाउन। What is noun? A naming word is called noun। किसी भी चीज़ का वजूद जो नाम रखता है उसको हम noun कहेंगे, चाहे वो इंसान है, वो कोई शहर है, वो कोई जानवर है, वो कोई मुल्क है। For example, girl, man, city हो सकता है, बुरे वाला। Students, there are many kinds of noun which we will discuss in our coming lectures, as abstract noun, concrete noun, material noun, collective noun. There are so many nouns that will be discussed in the coming lecture. Then we have pronoun. Students, बाज़ औक़ात जब हम किसी इंसान का, जानवर का नाम ले देते हैं तो उसके बाद हम नाम को बार बार रिपीट नहीं करते, नहीं दोहराते। जैसा कि हम कहते हैं, अली सुबह सवेरे उठता है, अली स्कूल जाता है, अली बहुत रेगुलर है। हम इस तरह से नहीं बोलते, हम कहते हैं अली सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है, वो अपने वक्त का बहुत पाबंद है, एट्सेट्रा। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। There are many kinds of pronoun as personal pronoun which I have mentioned। यानि ये जो हैं ये personal pronoun हैं, मज़ीद reflexive हैं, indefinite हैं, possessive हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम अपने आने वाले lectures में discuss करेंगे। यानि definition इसकी हम कह सकते हैं कि the words we use instead of noun is called pronoun। For example, horse is a faithful animal, इट रन्स फास्ट, इट ईट्स ग्रास। यानी हॉर्स जो है वो एक नाउन है और इट जो है वो इसका प्रोनाउन है, हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव वर्ब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। नो सेंटेंस कैन बी कम्प्लीटेड विदाउट वर्ब। कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर अधूरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर वो काम जिसमें हम हमारी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाजमी है उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर लिसनिंग, यू आर हेयरिंग, यू आर सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग, यू आर वॉचिंग द टीवी, ही इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब जो कि मेन एक्शन है, एंड द हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ मिलाता है। मज़ीद इसकी काइंड्स भी हैं, यानी रेगुलर वर्ब, इनरेगुलर वर्ब, ट्रांसटिव, इनट्रांसटिव, एट्सेट्रा। देन वी हैव एडजेक्टिव। द वर्ड दैट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी ऐसे अल्फाज जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्यूटिफुल, टॉल, लार्ज, एट्सेट्रा। वी से अ सेंटेंस, दिस इज़ अ ट्री, ट्री इज़ नाउन, दिस इज़ अ टॉल ट्री, सो टॉल इज़ टेलिंग अबाउट नाउन, सो इट इज़ एडजेक्टिव। वी से दिस इज़ अ पेंटिंग, पेंटिंग इज़ अ नाउन, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ब्यूटिफुल इज़ टेलिंग अबाउट पेंटिंग, सो इट इज़ एडजेक्टिव। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ प्रोनाउन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, सो intelligent is telling about pronoun, so it qualifies noun and pronoun।
Then we have adverb. The word that qualifies verb adjective and adverb is called adverb. For example, slow, fast, now. यानी ऐसे अल्फाज जो कि हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं और ख़ुद एडवर्ब के बारे में भी बताते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ सेंटेंस, ही रन्स. हेयर वर्ब इज़ रन्स. इफ़ वी से ही रन्स फास्ट, यानी अगर हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, तो फास्ट जो है वो हमें रन्स के बारे में बता रहा है, लिहाजा ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. अगर हम कहते हैं ही रन्स फास्ट, यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है फास्ट, तो अगर हम वेरी यूज़ करें, ही रन्स वेरी फास्ट, एडवर्ब हमारे पास मौजूद था फास्ट, उसके साथ हमने वेरी यूज़ किया है, ये भी एडवर्ब ही है क्योंकि ये एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. एंड इफ़ वी से शी इज़ ब्यूटीफुल, नाउ शी इज़ प्रोनाउन, ब्यूटीफुल इज़ टेलिंग अबाउट प्रोनाउन ब्यूटीफुल. इफ़ वी से शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नाउ वी हैड ब्यूटीफुल एज एडजेक्टिव, नाउ वेरी हैज़ क्वालिफाइड एडजेक्टिव दैट इज़ ब्यूटीफुल, यानी वो बहुत खूबसूरत है, बहुत जो है खूबसूरत जो है हमारे पास एडजेक्टिव था और वेरी ने एडजेक्टिव के बारे में ही हमें बताया है, लिहाजा ये यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, हमें उसके बारे में बता रहा है. देन वी हैव प्रेपोजिशन. स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन एज वी कैन सी प्री पोजिशन, फर्स्ट वी हैव प्री देन पोजिशन. प्रेपोजिशन टेल्स अस द पोजिशन, डायरेक्शन और रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, वी से ही इज़ इन द रूम, नाउ ही इज़ प्रोनाउन, रूम इज़ नाउन. सो वट इज़ द रिलेशन, वो कमरे में है. इन जो है हमें पोजिशन के बारे में बता रहा है कि वो कमरे में है, ही इज़ इन द रूम. द कैट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पे दोनों ही हमारे पास नाउन्स मौजूद हैं, कैट और टेबल, और इनके बारे में हमें बता रहा है अंडर. इसकी भी स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रेपोजिशन भी होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी होती हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस भी होती हैं. नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शन. कंजंक्ट मीन्स जोड़ देना, कंजंक्शन जोड़ने वाले. द वर्ड दैट जॉइंट सेंटेंसेस, क्लॉजेज एंड वर्ड्स इज कॉल्ड कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, बट एंड और सो एट्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अली एंड असलम, ये वर्ड्स को जोड़ रहा है एंड्स. ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, बट आई एम रीडिंग अ लेटर. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को बट जो है वो आपस में मिला रहा है. स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस भी दो तरह की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो उन सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को मिलाती हैं जिनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट. और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ऐसे क्लॉजेस को मिलाती हैं जो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दो का होना ज़रूरी है और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको अपने मीनिंग पूरे करने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती. देन वी हैव इंटरजेक्शन. द वर्ड्स दैट शो द सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, यानी ऐसे अल्फाज जो सडन फीलिंग्स के बारे में हमें बताते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, और वो फीलिंग्स खुशी की हो सकती हैं, गम की हो सकती हैं, हैरत की भी हो सकती हैं, खुशगवार हैरत की हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, आहा, अलास. वी हैव ऑफन रेड हुर्रा, आई हैव पास्ट हुर्रा, आई हैव गॉट द फर्स्ट पोजिशन, अलास, आई हैव लॉस्ट माई मनी, अलास, हिज फादर हैज़ ड्राइड, एट्सेट्रा. यानी इंटरजेक्शन हम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस हैं उनका वो इजहार करते हैं. सो इंटरजेक्शन शोज़ द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, एज वी हैव हुर्रा, अलास, एट्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. देर इज़ एन अदर नोशन
that according to some critics, article is also the part of speech, but others think that it is the part of adjective. यानी कुछ कहते हैं कि ये अलग से part of speech है, लेकिन बाज़ grammarians के मुताबिक ये adjective का ही हिस्सा है. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.